प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10+2 मैथ्स चैप्टर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, बोर्ड पे 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको ट्राई करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें कहा गया है द फंक्शन एफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स हैज मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दे रखा है, क्या साइन एक्स माइनस कोस एक्स। हमें हमसे ये पूछा गया है कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा, ये नहीं पूछा गया कि मैक्सिमा क्या होगा या मिनिमा क्या होगा। ये पूछा गया है कि जो मैक्सिमा या मिनिमा होगा वो किस पॉइंट पे होगा, यानी कि एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो पहले बच्चों एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए, जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स कितना बनेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। और एक्सट्रीम वैल्यू के लिए इसको किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, इसको इधर ले आए, कोस से डिवाइड कर दिया, साइन एक्स बाय कोस एक्स टेंजेंट एक्स हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास माइनस वन आ गया। अब देखो तेरे बच्चों, एक्स हमारे पास एक्स है जो टेंजेंट एक्स कितना है, माइनस वन है। तो वन कहां पे होता है, टेंजेंट पाई बाय फोर पे, पाई बाय फोर पे होता है वन। टेंजेंट कहां पे होता है, पाई बाय फोर पे होता है, लेकिन वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। टेंजेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो इस वैल्यू को सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें पहुंचाना है, तो यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर इस वैल्यू को हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो पाई में से माइनस कर देंगे, और अगर हमें इसको फोर्थ में पहुंचाना होता तो हम इसको टू पाई में से माइनस करते हैं। अब यहां पर से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर पाई माइनस पाई, यानी कि थ्री पाई डिवाइड बाई फोर। ये चेक कर लें आप इसके अंदर है कि नहीं, x की वैल्यू 3 पाई बाय 4, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 8 पाई माइनस यानी कि 7 पाई बाय 4 होगी। तो यहां पे x इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइड बाय 4, ये चेक करें आपके पास, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 और पाई, तो पाई 3 पाई डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ इतना पूछा गया था कि मैक्सिमा या मिनिमा किस जगह पे होगा, किस पॉइंट पे होगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो उसके लिए हमने इसको सॉल्व किया। यहां से पहले बच्चों बस ये आपको समझना है कि टेंजेंट एक्स माइनस वन है, वन टेंजेंट होता है पाई बाय फोर पे, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए हमने सोल्व किया तो थ्री पाई बाय फोर आ गया। अगर ये वैल्यू नहीं मिलती हम तो फिर इसके बारे में सोचते, इसको चेक करते, तो यहां से हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है पहले बच्चों, एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास, एफ एक्स ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फोर हैज मैक्सिमा एट, अब की बार मैक्सिमा पूछा गया है, तो यहां से मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। कितना आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर इसका माइनस थ्री इसका जीरो। मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक्सट्रीम वैल्यू के लिए इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, एक्स स्क्वायर इज वन, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो वन और माइनस वन, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास वन और माइनस वन, तो इनमें से मैक्सिमा या मिनिमा यहां यहीं पे मिलेगा। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, एफ डैश एक्स इसका करेंगे तो ये सिक्स एक्स हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। अब एट एक्स इज इक्वल टू वन, एफ डबल डैश वन भी लिख देते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं, वन पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स इंटू वन यानी कि सिक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यहां पे क्या मिलेगा हमें, एक्स इज इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये ध्यान रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम, और एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एफ डबल डैश एक्स क्या बना आपके पास, सिक्स इंटू माइनस वन यानी कि माइनस सिक्स लेस देन जीरो,
यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि माइनस वन इसका आंसर होगा मैक्सिमम के लिए। अगर मिनिमम के लिए कहते तो वन इसका आंसर होता, तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब आप देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे हो सकता है, तो काफी काफी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है हमें इसके लिए। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको माइंड में सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने डेरिवेटिव किया, कितना हुआ 3x2 - 3, डेरिवेटिव को जीरो के साथ इक्वेट किया, 3x2 = 1x + -1, ठीक है। सेकंड, 1 और माइनस 1 हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। सेकंड डेरिवेटिव किया, 6x हो गया, 1 पुट किया तो 6x का 6 बन गया पॉजिटिव, यानी कि तो मिनिमा, और माइनस 1 पुट किया तो -6 बना, इसका मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव तो ये हमारे पास क्या हो गया मैक्सिमा, तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सोचना है शॉर्ट में। नेक्स्ट है मेरे बच्चे थर्ड क्वेश्चन, fx log of sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, फंक्शन दे रखा है हमारे पास log of sin x। अब ये पूछा है कि कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो f डैश x निकाला, तो ये 1 डिवाइड बाई sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, ये हो गया हमारे पास cot x। अब cot x के बारे में सोचना है हमारे पास, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, sin x और इसका रेसिप्रोकल cosecant x, यहां पे टेंजेंट x और उसका रेसिप्रोकल cot x, यहां पे cos x और उसका रेसिप्रोकल secant x। अब आप देखें f डैश x cot x है, f डैश x cot x है, अब यहां पे कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फर्स्ट जो 0 से π/2 फर्स्ट इंटरवल दिया हुआ है, 0 से π/2 हमारे पास 0 से 90 के बीच में कहां आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा f डैश x कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि cot x तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, तो यहां तो इंक्रीजिंग बनता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चेक करें सेकंड, सेकंड में π/2 से लेके π, यानी के 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में तो cot नेगेटिव होता है, तो यहां तो डिक्रीजिंग होगा, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड 0 से π मतलब फर्स्ट भी आ गया सेकंड में आ गया, अब देखो फर्स्ट में तो पॉजिटिव है सेकंड में नेगेटिव है, तो यहां इंक्रीजिंग है यहां डिक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहां से हमारे पास यही लग रहा है कि हमें कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव होता है cot x, तो इसका मतलब f डैश x हमारा पॉजिटिव हो गया, f डैश x पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो प्यारे बच्चों अब इसको शॉर्ट में करें, देखो ओरल करें तो 1 / sin x - cos x cot x हो गया, तो cot देख लो कहां पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि f डैश x हमारा cot x हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है सेकंड में नेगेटिव होता है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों है ना तो पूरी तरह से पॉजिटिव ना पूरी तरह से नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो कौन सा रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही मिला हमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 2, तो प्यारे बच्चों हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy/dx होती है, dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना हो गया 3x2, और हमें कहां पे कैलकुलेट करनी है x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू अगर इसमें 2 पुट कर देते हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 3 × 4 यानी कि 12 आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास कितनी आ गई 12, 11, 10, 31, 12, तो डी राइट ऑप्शन हो गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल के लिए पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, ये 4x, इसका डेरिवेटिव किया 4x - 0, तो 4x एट x इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 पुट करेंगे तो 4 × 1/4 कितना आ गया 1, ये किसकी स्लोप आ गई टेंजेंट की, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1/-, और इसका रेसिप्रोकल 1/1 यानी कि कितना आ गया -1, जैसे इसका निकालना होता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होगा -1/12, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इस केस में 1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी हमारे पास -1।
पहले बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 4। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज, यानी कि डी ए। रेट ऑफ चेंज निकालना होता डी ए बाई डी टी निकालना होता, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू आर कितना बनेगा? विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 पाई आर आ जाएगा। और कब? जब आर की वैल्यू कितनी है? 4। तो आर की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? आर की जगह पे 4, तो 2 की 4 की मल्टीप्लाई 8 पाई, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो पर सेंटीमीटर। तो ये 8 पाई देख ले कहां पे हमारे पास 6 पाई, 8 पाई, 4 पाई और नन ऑफ दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू ना कुछ कहे या विद रिस्पेक्ट टू टाइम करे तो विद रिस्पेक्ट यहां डीटी आएगा नीचे, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि द पॉइंट व्हेन द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले बच्चों अगर टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल होता है, यानी कि स्लोप होती है टेंजेंट की वो 0 होती है। अब आप देखें डीवाई बाई डी एक्स मीन्स 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका डेरिवेटिव। भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है तो डेरिवेटिव कर दिया इसका, 2x माइनस 4 आ गया 0 के साथ, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू y में पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 पुट की, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 8 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा, तो 9 माइनस 8 तो 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो पॉइंट आ गया 2 और 1। तेरे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 1 चेक कर लें, 2 और 1 फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 2, x 2 है हमारा और y 1 है, ठीक है, तो x 2 y 1, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो तेरे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तेरे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। प्यारे विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं क्लास 10+2 मैथ्स चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है उससे क्वेश्चंस लिए हैं। अपने एक और वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट दी होती है उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, वो भी चैप्टर 7 के ही होंगे, यानी कि चैप्टर 7 के लिए हम 2 पार्ट में वीडियो हमने बनाए हैं। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल के ले रहे हैं, और जो सेकंड पार्ट में वीडियो में क्वेश्चन लेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स इट सोल्व के डिवाइड बाई एक्स डी एक्स इज, इनमें से क्या होगा? प्यारे बच्चों जब भी लॉग एक्स हो, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, और अगर आपको डिनोमिनेटर में एक एक्स नजर आता है तो आप क्या करोगे? लॉग एक्स को जेड पुट करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको ये सारा काम अपने माइंड में ही करना है। अब लॉग एक्स को जब हम जेड पुट करते हैं तो 1 बाई एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा? डी जेड में। तो 1 बाई एक्स डी एक्स तो डी जेड में चला गया, इसको हमने जेड मानना है, तो ये कितना हो गया? जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, जेड क्यूब और डिवाइड बाय 3 प्लस सी, जेड क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी, हमारे पास ये बन जाएगा जेड क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी। अब अपने माइंड में सोचो कि जेड हमने किसको माना था? जेड हमने माना था लॉग एक्स को, यानी कि लॉग एक्स इट्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। अब आप चेक करें, लॉग एक्स इट्स क्यूब, सॉरी लॉग एक्स इट्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी, बिल्कुल सही है, यही हमारे पास
फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे लॉग एक्स इट्स क्यूब तो है, डिवाइड बाय थ्री नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। यहाँ पे टू लॉग एक्स ही बिल्कुल ही अलग हो गया, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है अपने माइंड में ही सब्स्टिट्यूशन करके और सोल्व करना। नेक्स्ट, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप सोचें तो टेंजेंट इनवर्स एक्स को अगर हम जेड मान लें, टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम टेंजेंट इनवर्स एक्स को जेड मान लें तो वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स किस में चला जाएगा, डीजेड में। अब वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स तो डीजेड में चला गया, तो ये साइन जेड बन गया, तो यहां सिर्फ साइन जेड रहेगा और साइन जेड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कोस जेड प्लस सी। और जेड हमने किसको माना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स को, तो देख ले कौन सा बनेगा, माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी नहीं, ऐसा नहीं है, माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड में भी आ गई, ये भी नहीं है, माइनस कोस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, तो बिल्कुल सही है, सी इज द राइट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। दूसरी बात, आपको डेरिवेटिव के भी सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन तो डेरिवेटिव को अपने माइंड में सोच के ही करेंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तभी तो आप सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे। तो इंटीग्रल में हमें क्या करना होता है, हमारे जो डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट है वो भी सारे क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप इंटीग्रल करना चाहें और डेरिवेटिव आपने नहीं किया है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास लिखा है द वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इज। अब प्यारे बच्चों, अगर यहाँ एक्स की जगह वन होता तो वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसे तो हमें क्या मिल जाता, टेंजेंट इनवर्स एक्स मिल जाता, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन ऊपर एक्स है। अब आप हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, तो ये हमारा इंटीग्रल होता है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव होगा टू एक्स, तो यहां टू लगा दिया मैंने और यहां हो गया वन बाय टू। अब आप देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स, यानी कि यहां से वन बाय टू तो आगे नहीं जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी। यहां क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव वैल्यू होगी तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये आंसर होगा। यहां पे ये टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी नहीं, ऐसा नहीं है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, लेकिन यहां वन बाय टू गायब है, यहां पे वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, तो सी हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज। अब डेरिवेटिव में तो क्या होता है, जो पावर होती है उसका पहले कर लेते हैं फिर पावर के अंदर का कर लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रल में ऐसा नहीं है, हमें टेंजेंट स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा। हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। कौन से फॉर्मूले से बनाया, हमने इस फॉर्मूले से बनाया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट एक्स, माइनस वन का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स और प्लस सी, तो ये आ गया टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। टेंजेंट एक्स फर्स्ट नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में टेंजेंट एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, हमारा टेंजेंट एक्स माइनस एक्स है। नेक्स्ट है टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। पहले में तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स रेस्ट टू पावर सिक्स प्लस वन डीएक्स इज। अब प्यारे बच्चों, यहां से आप देखें कि इंटीग्रल ऑफ वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना होता है, ये होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रल टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे का रेसिप्रोकल फंक्शंस है। अब आप देखिए इसकी मैं अगर बात करूं
तो हम इसको अगर ऐसे लिखते एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर और ये देखो ये एक्स क्यूब इट्स स्क्वायर है और ये वन का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। अब इस एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए जेड सोच के देखो तो 3x² dx कितना हो गया dz, x² dx कितना हो गया dz/3। अब देखो ये तो हो गया dz/3 और ये हमने मान लिया जेड तो हमें मिल गया 1/ ये जेड स्क्वायर और ये प्लस 1 का स्क्वायर लिख लो या 1 ही लिख लो ये dz और /3 है उसको हमने आगे लिख दिया तो अब ये हमारे पास देखो क्या आ गया 1/3 ये तो हमारा फॉर्मूला ही टेंजेंट इनवर्स x का तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स z हो जाएगा तो 1/3 टेंजेंट इनवर्स z + c और z की वैल्यू कितनी है x क्यूब तो ये आ गया हमारे पास 1/3 टेंजेंट इनवर्स x³ + c। अब 1/3 टेंजेंट इनवर्स x³ + c तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। दोबारा से रिपीट करते हैं यहां पे x^6+1 है और यहां x² है तो हमने इस x^6+1 को लिखा x³ का स्क्वायर और प्लस 1। अब इस x³ को जेड पुट कर दिया तो 3x² dx dz हो गया x² dx क्योंकि ऊपर x² dx है इसकी वैल्यू आ गई dz/3। अब इसकी जगह तो कितना आ गया dz और डिवाइड बाय 3 को बाहर लिख दिया ये हमने जेड माना है तो ये z² + 1 हो गया तो 1/3 1/ ये कितना आ गया हमारे पास z² + 1 और ये तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रल का तो यहां पे हमने लिख दिया टेंजेंट इनवर्स जेड और जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दी उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो तेरे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे तो आ गया है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है e^(x)(1+x)/cos²(x)e^(x) तो ये देखो x e^(x) है इसको जेड मान लो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो x ऐसे ही e^(x) का डेरिवेटिव यही होता है e^(x) ऐसे ही x का डेरिवेटिव 1 होता है dx दैट इज इक्वल टू dz। अब मैं इसमें से e^(x) अगर कॉमन लू तो अंदर आ गया x+1 dx तो ये आ गया हमारे पास dz। तो ये देखो ऊपर वाला e^(x)(1+x)e^(x)(x+1) या 1+x और dx ये ऊपर सारा का सारा dz में चला गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया जो इंटीग्रल है जिसको हम i से डिनोट करते हैं ये हो गया 1/cos²z dz ये हो गया हमारे पास cos² ये z और ये सारा dz। cos² को अगर हम ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा secant² z dz और secant² का इंटीग्रल कितना होता है tangent secant² z से tangent z plus c और z की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x e^(x) हमारा आंसर आ जाएगा tangent x e^(x) + c। तो प्यारे बच्चों आपको शुरू में थोड़े बड़े लग सकते हैं लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास आ सकते हैं कि आपको सारा काम माइंड में ही करना है। आप चाहे तो रफ में कर सकते हैं लेकिन आप इसको जब अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक हो गई है इंटीग्रल की तो आप इस सारे काम को माइंड में कर सकते हैं। अब यहां से हमने x e^(x) को जेड पुट किया था ये सारा dz हो गया तो ये 1/cos²z हो गया ऊपर लिखा तो secant² z हो गया secant² का इंटीग्रल होता है टेंजेंट जेड प्लस सी जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दी तो ये आ गया टेंजेंट x e^(x) + c। पहले में माइनस कोट है दूसरे में टेंजेंट x e^(x) + c ठीक है तो ये हमारा राइट ऑप्शन है तीसरे में कोट है चौथे में नन प्लीज तो हमारा जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे बच्चों 7th फॉर्मूला पूछ लिया गया आपसे एग्जाम से इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² dx इज
ये आपको ब्लैंक फिल करना है, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे हमने लिखा था, तो कितना होता है ये हमारे पास, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब हम कर लेते हैं तो जो फॉर्मूले हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इन क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन छोटी छोटी गलती की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल टेंजेंट 3-2x सीकेंट 3-2x। अब प्यारे बच्चों हमारे पास सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रल होता है सीकेंट एक्स प्लस सी। अब देखो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, सीकेंट एक्स हो गया। अब देखो ऐसा ही तो है, ये सीकेंट रहा और ये टेंजेंट रहा, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास सीकेंट 3-2x प्लस सी। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स हो लिखना है, कितना होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स, -2। डेरिवेटिव में तो मल्टीप्लाई में आता है, यहां पे डिवाइड में आएगा, तो -2 को अगर मैं आगे लिख दूं तो ये -1/2 हो जाएगा। यहां नीचे डिवाइड में -2 लिखा तो उसका आगे -1/2 आगे लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो पहले बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कोफिशियंट को नहीं भूलना है, वो डिवाइड में आएगा। यहां हम डिवाइड में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना -2, तो उसको अगले नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से कर दिया हमने -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास 9, द वैल्यू ऑफ e^x साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स इज, इनमें से कौन सी है। पहले बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि e^x अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इकट्ठा हो जाए तो हमारे पास आंसर होगा e^fx + c। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके देखो, e^x देखो ये फंक्शन हमारा, ये इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो e^fx ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि e^xsin x आंसर आ जाएगा, e^sin x + c। तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है। सेकंड में e^cos नहीं, क्योंकि cos का जो डेरिवेटिव होता है वो तो माइनस साइन होता है, ये नहीं बनता। नेक्स्ट e^x की गायब कर दिया, नन ऑफ दिस, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो पहले बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।